तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आखिर आप सभी छात्र छात्राओं का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और फाइनली आप सभी के लिए एग्ज़ाम का पेपर आ ही गया। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं मैथ का 100 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को सोल्यूशन तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। पहला सवाल ये बोला गया है, यदि ए बराबर 3π/4 दिया गया है गुने 5π/q तथा बी बराबर 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर हो, तो मसा ए बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं को गुना करके इसका मसा ज्ञात कर दीजिएगा। मसा ज्ञात करने पर चारों ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि 0.43 पे रेकलिन अर्थात बार दे दिया गया है को p/q के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान ट्रिक हम आप सभी को बता देते हैं कि 0.43 पे रेकलिन दिया गया है तो 43 को सेम टू सेम लिख दीजिए और दशमलव के बाद में जितना भी संख्या दिया गया हो उतने आप सभी को नीचे 9 बैठा देना होगा। तो 43 को हम लोगों ने सेम टू सेम लिखा, दशमलव के बाद दो संख्या होने के कारण बट्टा में हम लोग 2 9 बैठा दिए हैं, तो 43/99 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि चतुर्भुज के सभी यानी चारों कोणों का योग कितना होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है, इसका नाम हम लोग ए बी सी और डी भी रख सकते हैं। तो इसमें ये जो चार कोण बनते हैं, ये चारों कोणों का योग अर्थात जोड़ कितना होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो अगला सवाल क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आइए 11/80 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो 11/80 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 11 को आपको सेम टू सेम छोड़ देना होगा, 80 को आपको अभाजन खंड करना पड़ेगा। 80 का अभाजन खंड करते हैं तो 40 × 80 हो जाता है, फिर इसे 2 मरतबे लगाते हैं, 20 × 40 ये कटेगा, 10 × 20 ये हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी 2π/4 और 5π/1 आने के कारण इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो शांत होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इसका शांत दशमलव क्यों होगा, तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस भी संख्या का अभाजन खंड करने पे 2π/n और 5π/n आता है तो वैसी सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि 80 को हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात किए हैं, इसके अभाजन खंड में 2 और 5 आने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है। अगला सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 से भाग लगती है, वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 91 में भी भाग लगता है, 85 में भाग लगता है, 121 जो संख्या है इसमें भाग लगता है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया 41 में 1 और 41 के अलावे अन्य संख्या से भाग नहीं लगने के कारण 41 जो होगा अभाज्य संख्या होगा। अगला सवाल बोला गया है कि बहुपद 8x+14 का शून्य क्या होगा। तो बहुपद 8x+14 का शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8x और प्लस जो 14 है बराबर उधर जाकर -14 हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर -14, तो 8 यहाँ पे गुना में दिया गया तो भाग में हो जाएगा, इसे कटा दीजिए, 7 × 8, इसे कटा दीजिए, 4 × 8, ये 7 × 14 कट गया है, ये 4 × 8 कट गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -7/4 आ गया है। अगर आप ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे ना तो ऑप्शन बी में -7/4 देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 128/168 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी आपको इसको कटाना होगा। तो ऐसा कीजिए, 128 दिया गया है, नीचे दिया गया 168, इसे 42 मरतबे कटा दीजिए, इसे कटा दीजिए 32 मरतबे। उसके बाद में आप इसे 16×32 कटा सकते हैं, 21×42 कटा सकते हैं। उसके बाद में 16/21 को हम अन्य संख्याओं से नहीं कटा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 16/21। सवाल क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, यहाँ पे आपसे परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और क्यू का मान भी जीरो के मान के बराबर होता है, कोई ऐसी संख्या हो जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल भी ना होता हो, तो वैसी सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब रूट अंडर 49 को देख लीजिए, 49 को तो वर्गमूल होता है ना 7, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया रूट अंडर 1/16, तो 1 का भी वर्गमूल 1 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो रूट अंडर 4 देने के कारण देख लीजिए रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया गया है डी में रूट अंडर 5, और रूट अंडर 5 वर्गमूल निकालिएगा ना तो 1.414 आता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यहाँ पे द्विघात समीकरण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चलेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर 3×x+1 दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे यानी a प्लस बी का फॉर्मूला पे तोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद में 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 होगा। इसे आप सभी स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे प्लस में 3x दिया गया है, बराबर की तरह -3x हो जाएगा, प्लस 1 को सेम टू सेम लिखिए, यहाँ पे प्लस 3 दिया गया है, बराबर की तरह आने पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। उसके बाद में क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखिए, 2x में से 3x को घटा दीजिएगा तो x बचेगा, 1 में से 3 को घटा दीजिएगा तो -2 बचेगा। तो ये जो हमें प्राप्त होगा ना, ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, इसके सभी टर्म कंडीशनों को पूरा कर रहा है, अतः दी गई ऑप्शन जो ऑप्शन ए में दिया गया है द्विघात समीकरण होगा। और इसके अलावा जो अन्य संख्या दिया गया, अन्य ऑप्शन दिया गया बी सी डी, ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, पहला ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन में रूट अंडर 9 दिया गया है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 दिए गए हैं। तो दोस्तों आसान भाषा में जान लीजिए कि किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए उसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस को सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद में हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में 5 दिया गया है तो हम लोग 5 लिखने वाले हैं, एक्स को साथ ही साथ लिख देंगे और प्लस में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, माइनस से प्लस ना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 तो नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया गया वो 5 नहीं है, बल्कि अल्फा का मान यहाँ पे 5 है, बीटा का मान -3 है। अब फिर से उसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि क्वेश्चन का सही जवाब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दे दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 3x माइनस वाई बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y बराबर 36 का हल है। तो यहाँ पे तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो सब्जेक्टिव में बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कीजिएगा कि दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यानी x और y का मान रख के देख लीजिएगा, 0 के मान के बराबर आ गया तो दी गई ऑप्शन आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, तो ऐसा करते हैं
कि 3 × x का मान पहले ऑप्शन से चलते हैं, x का मान 2 रखते हैं, माइनस y का मान कितना है 6 है, बराबर में 0। इसे हम सभी ऐसे लिख सकते हैं 3 × 6 और यह माइनस 6 है, बराबर किया जाने पे प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 = 6 आ गया है। या आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 6 − 6 = 0, तो 6 में से 6 घटेगा तो 0 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, x का मान 2 होगा और y का मान 6 होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि बहुपद x²−15x + 56 का घात क्या होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो दिया गया है x²−15x + 56, तो इसमें x का पावर 2 है तो ये द्विघात होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। याद रखिएगा मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं जिसके घातों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो 2 घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं जिसमें घातों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में घातों की संख्या 3 होती है। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 14 में बोला जा रहा है कि यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा कि जब भी 2 रैखिक समीकरण में आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होंगे ना, तो हलों की संख्या सिर्फ 1 होगी, यानी सिर्फ 1 हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि त्रिघात बहुपद x³ − 3x² + x + 1 में शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ पे आप सभी से शून्यकों का योग पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा शून्यकों का योग त्रिघात में बहुपद में होता है α + β + γ बराबर होता है −b/a। क्या होता है दोस्तों, −b/a होता है, ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस फार्मूला का लगाएंगे, उसके बाद में हमें चाहिए बी का मान। बी का मान देखिएगा तो ऑलरेडी −3 दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं −3/ हमें चाहिए 1 का मान, यानी ए का मान। तो ए का तो मान कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 मानेंगे। अब क्या होगा कि −- मिलकर ये +3 हो जाएगा, 3 में 1 से भाग लगा भी देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 3 ही आएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी में 3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 16 में बोला गया है कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर को जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हम लोग कहते हैं a₂ - a₁ क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरे पद को पहले पद से घटा देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। तो यहाँ पे a₂ का जो मान है वो 5/3 है, तो आपको लिखना होगा 5/3। a₁ का जो मान है वो 1/3 है, तो आप भी 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 × 3 का LCM 3 हो जाएगा। जब LCM सेम टू सेम है तो ऊपर वाले संख्या सेम टू सेम होंगी, 5 − 1 होगा। ध्यान दीजिएगा 5 में से 1 को घटा लीजिएगा तो 4 बच जाएगा, और भाग में दिया गया है 3, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी में 4/3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो कौन सा सत्य होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा मूल समान होने के लिए d बराबर जो मान होता है वो 0 के मान के बराबर होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं कि d को लिखते हैं b²-4ac। अब b²-4ac को ऑप्शन में देखिएगा ना, तो कोई भी ऑप्शन में b²-4ac नहीं दिया गया है, तो ऐसा करते हैं कि b² ये −4ac है, बराबर की तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो ये 4ac हो जाएगा। अब b² = 4ac ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा, b² = 4ac। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 18 में कि सभी वर्ग होते हैं, याद रखिएगा जितने भी वर्ग इस प्रकार से होते हैं ना, ये सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा समरूप, जिसको हम लोग सिमिलर भी बोलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 19 में बोला गया है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ 0 का मूल क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मूल का जो फार्मूला आता है वह होता है −b ± √√d/2a होता है। तो ऐसा तो ऑप्शन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऐसा करते हैं −b ± √√d का जो फार्मूला होता है वो b²-4ac होता है, और बटा में 2a को हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए में सेम टू सेम आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, x −b ± √√b²-4ac/2a, जो कि मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का एक फार्मूला है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 जो है आपके मेट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेंटर एग्जाम में भी पूछा गया था और मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन को दिया गया था। बोला गया है त्रिभुज पी की वार में की वार को, देखिए त्रिभुज पी की वार के जैसे नाम आया है, आप सभी को इस प्रकार से त्रिभुज पी की वार को रचना कर लेनी होगी। तो यहाँ पर हम नाम रखेंगे पी क्यू और आर। बोला गया है कि क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, ये जो की वार है इसको एस तक बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हो गया कि कोण PRS ये जो कोण है ये 100 डिग्री हो गया। त्रिभुज तो कोण पी की वार 70 डिग्री, कोण पी की वार ये जो कोण है ना ये 70 डिग्री है। तो बोला जा रहा है तो कोण QPR का मान क्या होगा, तो ऐसे करना होगा कि सबसे पहले हम लोगों को ये कोण ज्ञात करना होगा। ये कोण ज्ञात करेंगे तो हमारा 50 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जब ये 50 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ पे आसान सा तरीका अपनाइएगा, यहाँ पे दिया गया 100 डिग्री और एक जो कोण है वो 70 डिग्री दिया गया है, तो ऐसा कीजिए 100 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर दीजिए तो आप सभी का जो आंसर आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ऑलरेडी मॉडल पेपर का सोल्यूशन में आप सभी को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिए थे, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है उसमें 21 में बोला गया है कि समांतर श्रेढ़ी 5, 7, 9, 11 का 25वां पद क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को 25वां पद बताना है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे AN पे आपको ज्ञात करना होगा या A25 आप सभी ज्ञात कर सकते हैं, शॉर्टकट फार्मूला का यूज कीजिए। A+25वां पद ज्ञात करना है ना, तो 25 में से कम कीजिए, उसके साथ D लगा दीजिए। तो 25 में से एक कम करने पर 24 होता है, इसके साथ हम D लगा दिए हैं। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान, तो ए का मान प्रथम पद ए का मान 5 दिया गया है और प्लस में 24 गुने डी का मान। तो डी की मान की बात करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं तो डी का मान निकलता है। तो 7 में से 5 को देख लीजिए, 7 में से 5 को घटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये 2 आएगा, तो आप यहाँ पर डी का मान 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 5 को सेम टू सेम लिखिए, 24 में 2 से गुणा कर लीजिए तो 24 दुनी कितना होता है तो 48 होता है। उसके बाद में आप सभी क्या करेंगे कि 48 में 5 को ऐड करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 48 में 5 को ऐड करने पे क्वेश्चन का सही जवाब 53 आ जाता है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी में 53 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल ये बोला गया है कि बिंदु 8.0 स्थित है, तो आसान भाषा में आप जान ही लीजिए क्योंकि मेट्रिक एग्जाम में एक नंबर का तो सवाल इसमें से आना तय है। अगर कोई भी बिंदु दोनों प्लस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि दी गई बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर कोई भी बिंदु दोनों माइनस में है तो समझ लीजिए कि दी गई बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि कोई भी बिंदु का पहला अक्षर माइनस में हो, दूसरा अक्षर प्लस में हो, तो वैसे स्थिति में दी गई बिंदु द्वितीय पाद या दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। कोई भी बिंदु पहले प्लस में हो, बाद में माइनस में हो, तो वैसी स्थिति में दी गई बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। यहाँ पे देखिएगा तो 8.0 दिया गया है जो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 23 में बोला गया है कि समांतर श्रेढ़ी 21, 18, 15, ... का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि समांतर श्रेढ़ी का कौन ऐसा पद है जो शून्य होगा। तो आप सभी को क्या करना होगा कि AN का जो फॉर्मूला आता है A+AN-1 गुने डी आता है, तो यहाँ पे जो AN का मान बैठाना होगा ना वो 0 बैठाना होगा, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए A का मान, तो A का मान देख लीजिए, प्रथम पद A का मान कितना है तो 21 है। उसके बाद में N का तो मान आपको ज्ञात करना है, तो N-1 को सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए D का मान, तो D की मान की बात करेंगे तो देखिए 18 में से 21 को घटा लीजिए, तो 18 में से 21 को घटा लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 18 के बाद में 19, 20, 21 यानी 3 आएगा जो कि माइनस में होगा, तो आप यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आप -3 लिख लीजिए, यहाँ पे दिया गया 0 ये +21 है, बराबर के आने पर ये -21 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा N-1 और यहाँ पे बचेगा -3। उसके बाद में क्या होगा कि -21 को सेम टू सेम लिखिए, इसलिए लिखेंगे क्योंकि 0 में से 21 को घटाने पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, -21 को -21 ही लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे माइनस जो 3 है वो गुना में है, बराबर के दराने पे -3 भाग में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा N-1। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे, 3 * 7 मिनट कटा सकते हैं। इसे हम सभी ऐसे लिखेंगे, यदि N = 7 लिख लेते हैं, ये वाला 7 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया -1 बराबर की तरफ जाकर +1 हो जाएगा
और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इनका जो मान आने वाला है वो 8 आने वाला है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी में 8वां पद दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।